मंत्रालय बांटे जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान सबसे ज्यादा चर्चा में है। मध्य प्रदेश से भले ही 5 मंत्री बने हो, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की ही क्यों चर्चा हो रही है और क्या वजह, और उससे ज्यादा चर्चा हो रही है शिवराज सिंह चौहान के मंत्रालय की, यानी कि कृषि मंत्रालय की। हालांकि उनको ग्रामीण विकास विभाग भी दिया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा कृषि मंत्रालय की। जरा सोचिए क्यों। क्या आपने कभी ऐसा कैबिनेट में, खासतौर से पीएम मोदी के साथ काम करने वाली टीम में, कोई पहले से नहीं कह सकता कि किसको क्या डिपार्टमेंट मिलेगा, या सियासी की जानकार नहीं लगा सकता पता, ना पार्टी की सूत्र बता सकते हैं कि किसको क्या मिलेगा? ऐसा क्या था कि पहले से ही चर्चा थी कि शिवराज सिंह चौहान मंत्री तो बनेंगे? उसका इशारा पीएम मोदी ने संकेत दिया था पहले मध्य प्रदेश आके कि शिवराज को दिल्ली ले जाऊंगा। लेकिन जरा सोचिए, तब से लेके, मतलब जब विदिशा से वो सांसद बने नहीं, तब से लेके चर्चा थी कि मामा केंद्र में कृषि मंत्री जरूर बनेंगे, मामा को कृषि मंत्रालय जरूर मिलेगा। ये आम लोग, सियासी जानकार नहीं, आम लोगों के बीच की चर्चा का विषय था कि अगर मामा दिल्ली जाएंगे तो कृषि मंत्री बनेंगे। लेकिन क्या है कृषि मंत्री बनने की इनसाइड स्टोरी, और क्यों कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ही? तो उसके पीछे अगर आप सोचेंगे, ये ठीक है आम लोगों के बीच में चर्चा हो सकती है, लेकिन दरअसल जानकार यही मानते हैं कि पीएम मोदी ने बहुत पहले ये फ्रेम सेट कर लिया था, मान लिया था कि शिवराज को दिल्ली लाना है, और यदि बीजेपी के केंद्र में सरकार बन रही है तो कृषि मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान को ही देना है। जरा आप सोचिए, कृषि मंत्रालय इतना महत्वपूर्ण मंत्रालय है, आप अगर जानेंगे, जानकारी के लिए आपके लिए बता दूं, जितना एमपी गवर्नमेंट का बजट है लगभग उतना तो शिवराज के खाली मंत्रालय का बजट है। एमपी गवर्नमेंट का जो बजट 3,14,00,000 के करीब है, और इतने के बजट के बाद 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का एमपी का बजट, और लगभग इतना ही 3 लाख करोड़ का बजट है कृषि मंत्रालय का। तो सोचिए कितना अहम हो जाता है। लेकिन क्या पीएम ने पहले से सोचा था कृषि ही क्यों? तो उसके पीछे वजह है, दरअसल उस दौर में किसान आंदोलन भी हुआ, हालांकि मध्य प्रदेश नरेंद्र तोमर मंत्री थे, लेकिन शिवराज जो हैं एग्रीकल्चर यानी कृषि क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखते हैं। उसके दो कारण हैं, कम्युनिकेशन, कभी कोई आंदोलन हो, संवाद जैसी स्थिति, तो शिवराज जो है संवाद करने में बड़े, मतलब आगे रहते हैं, समाधान निकालने में कम्युनिकेशन लेवल अच्छा है, लोगों से घुल मिल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश ने इतनी बार उनके सीएम रहते हुए कृषि कमर्ण अवार्ड जीता, और कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की जो ग्रोथ रेट थी वो काफ़ी ऊंचाई पर थी, यानी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एमपी ने शिवराज के सीएम रहते हुए बड़ा अच्छा मकाम हासिल किया और कई बार अवार्ड भी जीते। यही वजह है कि कृषि के क्षेत्र में शिवराज की इस दक्षता को पीएम मोदी ने पहले देख लिया था, इसलिए कई दिग्गजों को पीछे छोड़कर शिवराज ही कृषि मंत्रालय बने, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई। आप देखते रहे एमपी तक।